खबर नोएडा से है। सेक्टर 10 स्थित एक फैक्ट्री में आग की खबर है। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर हैं। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। शॉर्ट सर्किट से आग की खबर बताई जा रही है। हालांकि कोई जनहानि नहीं है। फैक्ट्री में ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट बनाने का काम होता है और यहीं पर आग की खबर और तस्वीरें आपके सामने है। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की जद्दोजहद। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी है, क्योंकि बताया जा रहा है ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने की यह फैक्ट्री है जहां पर आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है यह बताया जा रहा है। ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट बनाने का काम होता है यहां पर, जहां से आग की तस्वीरें देख रहे हैं आप। उधर देहरादून में राहुल गांधी के बयान पर बवाल हो रहा है। राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों और संत महात्मा राहुल गांधी के विरोध में वो उतर आए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन उनके एक बयान पर बवाल मच गया है। सियासत की तपस्या में भाजपा का विरोध करते करते राहुल गांधी ऐसा बयान दे गए जो कतई सही नहीं है। पूरा मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन पुरोहितों और संतों को आदर्श मानने वाले देश में राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की है। इस बयान के बाद तीर्थ पुरोहित और संतों में काफी नाराजगी है। उत्तराखंड का धार्मिक शहर जोशीमठ जो एक बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसके लिए देश दुआएं मांग रहा है, उसी देश में राहुल गांधी का ये बयान तीर्थ पुरोहितों और संतों को अपमानित करने वाला है। यही वजह है कि देहरादून में राहुल गांधी के खिलाफ संतों और पुरोहितों ने विरोध शुरू कर दिया। आपने ऐसा बोल के अपनी मानसिकता व कांग्रेस की मानसिकता को ये उजागर करेगी। हमेशा हिंदुओं के विरोध में, सनातन संस्कृतियों के विपक्ष में रही और इनका विरोध किया, ये आपने अपनी मानसिकता का उजागर किया। तो राहुल गांधी जी को अभी पता नहीं है सनातन के बारे में, संस्कारों के बारे में, क्योंकि जो 16 संस्कार भी होते हैं उनको भी पुजारी लोग करवाते हैं। तो राहुल गांधी जी को सारे देश के पुजारियों से माफी मांगनी चाहिए। हैरानी की बात है कि रविवार को राहुल गांधी ने दिन में ये बयान दिया और शाम को ही वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में आरती करने पहुंच गए। माथे पर चंदन का लेप और तिलक लगाए नजर भी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।